नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडियन मोमिन किचन में। नूडल्स बॉल्स की रेसिपी बना करके लेके आई हूँ। मैं अपने बच्चों को और घर के बड़ों को दे सकते हैं। देखिए, इसे मैंने 2 मिनट्स नूडल्स से बनाया है। मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसी में मैंने 2 टेबलस्पून सूजी को डाल दिया है। सूजी को हमें थोड़ा सा भूनना है, इतनी देर भूनना है कि सूजी का कच्चापन निकल जाए लेकिन उसका कलर नहीं बदले। थोड़ी देर तक उसे हमें भून लेना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दूंगी और उतना ही मैं लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून में बारीक चॉप्ड अनियन डाल दूंगी। प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद इसे हमें धीरे से धीरे अच्छी तरह से भूनना है, जिसमें कि प्याज और शिमला मिर्च का भी कच्चापन निकल जाए और थोड़ा सा सूजी के साथ वो अच्छी तरह भून जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला, मैंने बस सूजी के हिसाब से ही सॉल्ट डाला है। एट ए टेस्ट आप सॉल्ट डाल दीजिएगा। और अब मैं इसमें धीरे धीरे से पानी डालते जाऊंगी। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला है, 1/2 कप। और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर भी मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। चावल के आटे से सूजी में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और इसके पानी को पूरी तरह सूख जाने तक भूनने के बाद हम इसे उतार लेंगे और एक बाउल में रख देंगे। इसी बाउल में मैं 2 मिनट्स नूडल्स लूँगी। मैंने एक पूरा पैकेट लिया है और इसे भी मैं हल्का सा पानी डाल के बॉयल करूँगी। हमें इसे बस इतना बॉयल करना है कि हमारे नूडल्स पक तो जाएँ लेकिन वो थोड़े खिले खिले रहें, बहुत ज़्यादा ये सॉगी नहीं हो जाए। और इसमें मैंने इसके टेस्ट मेकर या मसाला जो रहता है उसे डाल दिया है। और डाल लेने के बाद मैं इसे पका लूँगी दोस्तों। और अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं इसे सूजी वाले मिश्रण में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, थम्सअप ज़रूर दबाइए, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपके थम्सअप हमें मोटिवेट करते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाने की हमें खुशी मिलती है। देखिए, मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है, लगभग मैंने 2 चम्मच पानी और डाला है और उसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। नूडल्स पकना चाहिए पर पूरे तरह घुले हुए नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और देखिए, अब हमारे नूडल्स सूख चुके हैं और इसे मैं सूजी में डाल दूँगी। डालने के बाद मैं सूजी और नूडल्स के मिश्रण को अच्छी तरह मिला लूँगी। पहले मैंने इसे थोड़े से चमचे से ही मिलाया है, बाद में हल्के जब ठंडे हल्का ही ठंडा हुए तो मैं इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसके बॉल्स बना लूँगी दोस्तों, क्योंकि हमें नूडल्स के बॉल्स बनाने हैं। मैंने 2 मिनट्स नूडल्स के बॉल्स बनाए और देखिए, ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में शाम में कोई भी आते हैं तो आप तुरंत ही इसे बनाकर उन्हें सर्व कर सकती है, क्योंकि जनरली हर घर में सूजी भी होती है और 2 मिनट्स नूडल्स भी होते हैं। अगर आपके पास कैप्सिकम या शिमला मिर्च नहीं हो तो आप केवल अनियन डाल के भी बना सकती हैं, या अगर कोई दूसरी वेजिटेबल्स है तो उसे भी आप डाल। मैंने अपने जितने भी नूडल्स और सूजी के मिश्रण थे उनसे बॉल बना लिए हैं छोटे छोटे। और इधर मैंने मैदा की स्लरी बना के रखी है, उसे गाढ़ा ही हमें घोलना है, बहुत पतला नहीं करना है। उसमें मैंने केवल थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और हमें उसमें कुछ भी नहीं डालना है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैंने अपने जो नूडल्स के चूरे को रखा था उसमें मैंने उसे अच्छी तरह से लपेट दिया है, जिससे कि ऊपर में पूरे नूडल्स के की एक कोटिंग हो जाए और इससे बहुत ही अच्छा करारा कुरकुरापन आएगा जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इसे ज़रूर टी टाइम के समय बनाइए, बहुत ही झटपट बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो 2 मिनट्स नूडल्स होते हैं वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं।
और उसमें हमने और ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी डिश। साथ ही हमने इसमें सूजी मिलाया है, थोड़े वेजिटेबल्स मिलाए हैं, तो ये डिश हेल्दी भी बहुत है। आप लोग ज़रूर बनाइए, आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा। साथ ही इंडियन मॉम इन किचन में आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी वहाँ पर इंडियन मॉम इन किचन के नाम से आईडी है। देखिए अब मेरे बॉल्स, नूडल्स बॉल्स जो हैं सो तल गए हैं, मैं इन्हें निकाल दूँगी और बाकी को भी तल लूँगी। मैंने अपने सभी नूडल्स बॉल को तल लिए हैं और मैंने केचप के साथ सर्व किया। दो मिनट में बनने वाली ये झटपट टी टाइम रेसिपी एकदम तैयार है। नई रेसिपी लाने तक मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे चैनल को ट्यून करते रहिए। टिल देन बाय बाय।